अपने इन पंखों को देखें, इनको एक जगह चाहिए कि वहां आजादी से घूम सके, एक जाविये तलक जहां तलक कंपनी ने उनकी बनावट में जगह रखी है। वो पीछे पिलर से जुड़े हुए हैं, दीवार से लगे हुए हैं। अगर पंखा कहे कि आजादी का मकसद यह है कि मुझे दीवार से नहीं लगाओ, मैं जहां मर्जी घूमू जाऊं, तो यह उसकी आजादी नहीं है, यह बर्बादी है, यह उसके लिए भलाई नहीं है। हजरात, इसी तरह पतंग फिजा में उड़ रही है, खुली फिजा है, आजाद है, इधर जाए उधर जाए। लेकिन अगर वो ये चाहे कि जिस हाथ में मेरी डोर है वो भी छोड़ दे और मैं टोटली आजाद हो जाऊं, तो अगला पल उसकी वापसी का होता है। फिर बुलंदी खत्म हो जाती है, कमाल और उरूज उस वक्त जवाब दे जाता है, जवाल की तरफ, जमीन की तरफ उसका सफर शुरू हो जाता है। तो वो आजादी जिसमें पाबंदी मलहूज़े खातिर रहे, अपना दायरा कार, अपना जरफ, अपना बर्तन और अपनी औकात, और याद रहे हमारी औकात क्या है कि हम बंदे हैं, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो आर्यतन है, उधार है, अमानत है, हमने लुटाना है, और सफर एक बार है, मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसमें रह करके अपनी जिंदगी को बंदगी की हुदूद और कयूद में रह के आजादी के साथ अल्लाह के अहकाम को फॉलो करना है, और जहां से रब ने रोका है।